स्कूल आंगनवाड़ियों में भोजन नाश्ता बनाने वाली महिलाएं स्वयं सहायता समूह एक बार फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। समूह संचालक और रसोइयों को आ रही समस्याओं और समय पर मेहनताना नहीं मिलने से नाराज होकर 5 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है, जिसके तहत स्कूल और आंगनवाड़ियों पर भोजन नाश्ता बनाना बंद कर दिया जाएगा। आंदोलन को लेकर बुधवार को प्रांतीय महिला स्व सहायता महासंघ के बैनर तले कलेक्टर को लिखित सूचना के साथ ही 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने ज्ञापन में बताया कि स्कूल और आंगनबाड़ियों पर भोजन बनाने वाली महिलाओं के आर्थिक शोषण को दूर करने के लिए समूह संघ लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है। विगत माह में भी समूह ने हड़ताल की थी, तब सरकार ने मांग पूरी करने का भरोसा दिलाकर हड़ताल स्थगित कराई थी, लेकिन सरकार ने मांगे पूरी करने की दिशा में कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया, जिसके चलते मजबूरी वर्ष समूह संघ को दोबारा से हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। क्या जो गरीब महिला जब 500 में काम कर रही थी 2006-07 से, आज उनको करते करते 20 साल हो गए और आप उन बहनों को हटा रहे हैं, क्योंकि आप रसोईया की 4000 हो गए, वो बहन ने 500 का काम करा, अब उसको हटा रहे, तो हमको कितना दुख लगता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कसरात ब्लॉक 70 अटोदे। हम खरगोन जिले से सब दीदियाँ हैं। हमारी ये समस्या है कि हमारे दो दो तीन तीन महीने तक गरीब दीदियों को वेतन नहीं मिल रहा है, उनको परेशानी आ रही, ज़्यादा परेशानी होने के कारण वो कर्ज में ये हो रहे हैं। ना दूसरी परेशानी हमारी, ऐसी बहुत सारी परेशानी है, तो एक साला एक परिसर होने के कारण रसोइयों को हटा रहे हैं, तो हमको हटा क्यों रहे, क्या कारण क्या है? वो एक साला हो रही है, तो उसमें एक साला एक परिसर हो रहे हैं ना, तो उसमें दर्ज संख्या के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो दीदियाँ इतने दिन से काम कर रही हैं, उन्होंने मतलब चूल्हे पर काम करा, अब तो गैस सिलेंडर हो गया, तो वो दीदियों को हटाने का कोई ये नहीं होता। नहीं, क्या चाहते हैं बाप? हम यही चाहते हैं तो जो रसोइयों को नहीं हटाया जाए, जो रसोइया बहन आज 2006 से कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका पटेल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।